में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे थे रासायनिक आबंध, रासायनिक आबंधन की कौसेल लुईस अवधारणा, लुईस प्रतीक, लुईस प्रतीकों का महत्व, अष्टक नियम, सहसंयोजी आबंध, सरल अणुओं का लुईस निरूपण अर्थात लुईस संरचनाएं। आज के इस व्याख्यान में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे बिंदु हैं फॉर्मल आवेश, अष्टक नियम की सीमाएं, आयनिक या वैद्य संयोजी बंध, जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा और आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला चर्चा का बिंदु होगा फॉर्मल चार्ज यानी फॉर्मल आवेश। बहुपरमाणुक अणु या आयन के किसी विलगित परमाणु पर उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तथा लुईस संरचना में परमाणु को प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर को फॉर्मल आवेश यानी फॉर्मल चार्ज कहते हैं। बहुपरमाणुक आयनों में संपूर्ण आवेश किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित न होकर पूरे आयन पर उपस्थित होता है, परंतु फॉर्मल आवेश प्रत्येक परमाणु पर दर्शाया जा सकता है। जो फॉर्मल चार्ज होता है उसको हम प्रत्येक परमाणु पर अलग अलग दर्शा सकते हैं। लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश यानी फॉर्मल चार्ज बराबर होता है मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या यानी उस परमाणु पर कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या माइनस अनावंधी मिस जो लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास एकाकी युग्म में उनके इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस एक बटे दो आवंधित यानी सहवाजित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। ये फॉर्मल चार्ज निकालने का सूत्र है। एग्जाम्पल देखते हैं। ओजोन, ओजोन पर तीन ऑक्सीजन परमाणु हैं। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में छह इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में भी छह इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरे ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में भी छह इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन से दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन से दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया और इनके अष्टक पूर्ण हो गए। अब इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन को एक तरफा दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया तो इस तरह से ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं ओजोन में वो किस प्रकार व्यवस्थित हैं? यहाँ तो बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया, इस ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? चार, यहाँ पर दो और यहाँ पर छह। हमने इन परमाणुओं पर नंबरिंग कर दी 1, 2, 3। अब हम इन तीनों परमाणुओं पर अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। पहले परमाणु की बात करते हैं। पहला वाला जो ऑक्सीजन परमाणु है इस पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा? मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इस पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में? छह। अभी आपको बताया ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? छह। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने इस पर? छह। माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन की जो कुल संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन जो जिन्होंने साझे में भाग नहीं लिया है वो कितने इस पर? दो। आवंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, आवंधित इलेक्ट्रॉन कितने इसके? अभी आपको बताया दो इलेक्ट्रॉन का साझा यहां से हुआ है और दो का यहां से हुआ है आपके पास, और दो और दो चार और दो छह, तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? छह। सोल्व करें तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा? छह, छह में से दो गया चार और छह का आधा करें होंगे तीन, तो चार में से तीन गया कितना बचा? एक। तो इस पर फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? एक इकाई का। अब दूसरे वाले ऑक्सीजन पर देखते हैं। दूसरे वाले ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश कितना होगा? संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है मुक्त परमाणु पर वो तो छह ही है, अनावंधी यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो दुनी चार। जो बंधित इलेक्ट्रॉन है यहां पर कितने हैं? चार आपके पास, तो इसका एक बटे दो तो बराबर कितना हो जाएगा? सिक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन टू इंटू फोर,
तो कितना हो जाएगा सोल्व करके, जीरो। तो जो सेकंड वाला ऑक्सीजन है उस पर फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, जीरो। तीन नंबर पर कितना होगा, ये तीसरा ऑक्सीजन परमाणु है, इस पर फॉर्मल चार्ज निकालें तो मुक्त परमाणु पर संयुज इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिक्स। अनावंधी इलेक्ट्रॉन युग्म में जितने इलेक्ट्रॉन है तो दो चार छह, यानी छह इलेक्ट्रॉन है। और बंधित इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास, दो, तो उसका एक बटे दो कितना हो गया, एक, तो कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो इस तरह से पहले वाले ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना है, वन, दूसरे वाले पर कितना है, जीरो, और तीसरे वाले पर कितना है, माइनस वन। और टोटल पर कितना चार्ज है, तो टोटल अणु पर चार्ज कितना होगा, शून्य। फॉर्मल आवेश की सहायता से किसी स्पीसीज की कई संभव लुईस संरचनाओं में से न्यूनतम ऊर्जा की संरचना का चयन करना आसान हो जाता है कि किस पर फॉर्मल चार्ज न्यूनतम है। साधारणतः न्यूनतम ऊर्जा वाली संरचना वह होती है जिसके परमाणुओं पर न्यूनतम फॉर्मल चार्ज उपस्थित होता है। फॉर्मल आवेश का सिद्धांत आवंधन की शुद्ध सहसंयोजी प्रकृति पर आधारित है, जिसमें आवंधित परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा समान रूप से होता है। कार्बोनेट आयन की लुईस संरचना एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन की बाहरी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन इसकी बाहरी कक्षा में छह इलेक्ट्रॉन है, एक और ऑक्सीजन इस पर भी बाहरी कक्षा में छह इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा जो ऑक्सीजन होगा इसकी बाहरी कक्षा में भी छह इलेक्ट्रॉन है। दो नेगेटिव साइन के इंडिकेट कर रहे हैं कि दो ऑक्सीजन्स पर एक एक ऋणावेश आ गया। इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, इसी प्रकार इस ऑक्सीजन के साथ एक का साझा हो गया, और इस ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। कार्बन ने साझा बराबर का होता है, तो कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन का साझा, एक इलेक्ट्रॉन का साझा, और इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन का साझा। तो इस प्रकार इस कार्बन से एक डबल बॉन्ड के द्वारा O जुड़ गया, दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए। तो इस प्रकार क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें एक कार्बोनेट का स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा, जिसमें पहला वाला जो ऑक्सीजन होगा जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये दूसरा ऑक्सीजन होगा, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये पहला और ये तीसरा। तो इस तरह से हम इसका एक लुईस बिंदु स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम इस पर फॉर्मल चार्ज ज्ञात करते हैं। केंद्रीय कार्बन पर जो ये वाला कार्बन है, इस पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, इस पर फॉर्मल चार्ज होगा बराबर मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, चार, माइनस अनावंधित एकाकी युग्म, क्या इसके पास कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, जीरो, माइनस एक बटे दो आवंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चार और दो छह और दो आठ, बराबर कितना आ गया, फोर, माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। पहले वाले ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, बराबर होगा, इस पर कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिक्स, माइनस अनावंधी एक युग्म कितने, इस पर अनावंधी जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दो है, तो दो दूनी चार इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस एक बटे दो आवंधित इलेक्ट्रॉन कितने, आवंधित कितने, चार इसके पास, चार, बराबर सोल्व करें कितना आ जाएगा, छह में से चार गया दो और दो गया तो बराबर हो गया जीरो। तो इस पर भी कितना फॉर्मल चार्ज है, जीरो। सेकंड वाले ऑक्सीजन पर, इस वाले पर छह आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, अनावंधी इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, दो, चार, छह, माइनस एक बटे दो, आवंधित इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस वन। इसी प्रकार तीसरे वाले ऑक्सीजन पर सिमिलर कंडीशन है, सिक्स माइनस सिक्स, माइनस वन अपॉन टू इंटू टू इज इक्वल टू माइनस वन। तो इस तरह से प्रत्येक
परमाणु पर फॉर्मल चार्ज की गणना की जा सकती है। अष्टक नियम की सीमाएं। अष्टक नियम उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अक्रियता पर आधारित है, परंतु कुछ उत्कृष्ट गैसें जैसे जीनॉन, क्रिप्टॉन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन से संयोजित होकर कई यौगिक बनाती हैं। किस प्रकार के यौगिक बनाती हैं? जैसे जीनॉन डाइफ्लोराइड XeF2, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड KrF2, जीनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड XeOF2। इस प्रकार के अन्य यौगिकों का भी निर्माण ये गैसें करती हैं। अष्टक सिद्धांत अणु की आकृति को स्पष्ट नहीं करता है, यह अणु की ऊर्जा के सापेक्ष स्थायित्व के बारे में जानकारी नहीं देता है। अष्टक नियम के तीन प्रमुख अपवाद हैं। तीन अपवाद कौन कौन से हैं? पहला है केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, विषम इलेक्ट्रॉन अणु, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, और तीसरा प्रसारित अष्टक यानी एक्सपेंडेड ऑक्टेट। पहला है हमारे पास केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। कुछ यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। यह मुख्यतः उन तत्वों के यौगिकों में होता है जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। जैसे केस है आपके पास लिथियम क्लोराइड का, बेरिलियम हाइड्राइड का, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का, बोरोन ट्राइक्लोराइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। लिथियम क्लोराइड में क्या है? लिथियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह की यदि देखा जाए तो यहां पर लिथियम का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद देखता है तो इस पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं वो ऑक्टेट नियम को फॉलो नहीं करते हैं। विषम इलेक्ट्रॉन अणु, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, उन अणुओं को जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम होती है मैं परमाणु अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का केस देखते हैं तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक तो पूर्ण कर सकता है, परंतु नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है, इस पर दो जो बॉन्ड बनते हैं वो तो सामान्य सहसंयोजी बॉन्ड बन जाते हैं, लेकिन एक जो बंध बनता है वो कैसा बनता है, वो विषम इलेक्ट्रॉन वाला बनता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक सामान्य द्विबंध बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, वो बनता है विषम इलेक्ट्रॉन वाला। तो इस प्रकार जिन अणुओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है वे अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। प्रसारित अष्टक, द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और इसके आगे के आवर्तों के तत्वों में आवंधन के लिए 3s और 3p कक्षकों के अतिरिक्त 3d कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। अब s में तो एक कक्षक है, p में 3 है आपके पास, और d में 5 है। ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, और ये 3d हो गया। इन तत्वों में अनेक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे प्रसारित अष्टक या एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं। इन यौगिकों पर अष्टक नियम लागू नहीं होता। जैसे PF5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड का केस है, फॉस्फोरस की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, पांच फ्लोरीन लगे हुए हैं, प्रत्येक की कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इस केस में क्या होगा कि यहां पर फ्लोरीन इस फास्फोरस से साझा करेगी,
ये साझा होगा, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा फ्लोरीन के। फास्फोरस इस फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन का साझा, इससे भी एक का साझा, यहाँ से भी एक का साझा होगा, यहाँ से भी एक का साझा, और इस प्रकार सभी से एक एक का साझा होगा। इस प्रकार फास्फोरस प्रत्येक फ्लोरीन के साथ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि फास्फोरस की आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑक्टेट रूल लागू नहीं होता है। इसी प्रकार का एग्जाम्पल SF6 है। सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा और हर बॉन्ड पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है जो साझे में प्रयुक्त है। इस प्रकार सल्फर पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12। इसी प्रकार H2SO4 का केस है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार सल्फर पर 6 बॉन्ड बन गए। तो इस प्रकार सल्फर की जो संयोजी कोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में जहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑक्टेट नियम को फॉलो नहीं करती है, ऑक्टेट रूल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब एक्सपेंडेड या प्रसारित अष्टक के अंतर्गत आते हैं। आयनिक या वैध संयोजी बंध, आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बना हुआ बंध क्या कहलाता है? वैध संयोजी बंध या आयनिक बंध कहलाता है। वास्तव में क्या होता है कि जब परमाणुओं के मध्य जब परस्पर स्थानांतरण होता है तो एक धनायन बन जाता है, एक ऋणायन बन जाता है। धनायन और ऋणायन के बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है यही क्या होता है? ये वैध संयोजी बंध के रूप में होता है। और आयन पर उपस्थित आवेश की जो इकाइयों की संख्या है उसको वैध संयोजकता कहते हैं। जिस आयन पर यदि मान के चलिए एक आवेश उपस्थित है तो हम कहेंगे उसकी वैध संयोजकता एक है। जिस पर दो आयन उपस्थित है हम कहेंगे उसकी वैध संयोजकता दो है। आयनिक आबंध निम्न आयनन एंथैल्पी, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और अपेक्षाकृत उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाले तत्वों के बीच सरलता से बनते हैं। मीन्स क्या है कि जहां आयनिक आबंध बनेगा वहां पर निम्न आयनन एंथैल्पी होगी एक परमाणु की, दूसरे की क्या होगी? उच्च ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन लब्धि, दूसरे का क्या होगा? उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? आसानी से आयनिक बंध बन जाता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन से NaCl का बनना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 और क्लोरीन का कितना होता है? 287। सोडियम की आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया। तो जब सोडियम ने क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया तो सोडियम पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन जो आया सोडियम की तरफ से तो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो इस प्रकार NaCl जो बनता है इसमें सोडियम के द्वारा क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाता है। सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन बनता है और इन दोनों ही आयनों के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। अब सोडियम आयन पर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? आउटर मोस्ट सेल में 8। इसी प्रकार क्लोराइड आयन पर कितने हुए आउटर मोस्ट सेल में? 8। तो इस प्रकार बने हुए यौगिक में जो परमाणु प्रयुक्त होते हैं उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम और फ्लोरीन से CaF2 का बनना। कैल्शियम इसकी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन इसकी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक और फ्लोरीन है इस पर भी 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है। ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ट्रांसफर हो गया, एक और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ट्रांसफर हो गया।
इस प्रकार कैल्शियम पर दो पॉजिटिव चार्ज आ गए और इस फ्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया और इस फ्लोरीन पर भी एक नेगेटिव चार्ज आ गया। इस प्रकार CaF2 का स्ट्रक्चर बन जाता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के ट्रांसफर हो गए ऑक्सीजन की तरफ। जब दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ऑक्सीजन की तरफ तो मैग्नीशियम पर क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव साइन आ जाएंगे और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव साइन आ जाएंगे, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं मैग्नीशियम के द्वारा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस पर 2 नेगेटिव साइन आ जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Mg+2 और O-2। तो इस प्रकार मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से MgO का निर्माण होता है। जालक एंथैल्पी अथवा जालक ऊर्जा लेटिस एंथैल्पी, किसी आयनिक ठोस के 1 मोल यौगिक को उसकी गैसीय अवस्था में संघटक आयनों कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को यौगिक की जालक एंथैल्पी कहते हैं। जितनी यौगिक की जालक एंथैल्पी ज्यादा होगी वे यौगिक उतना ही ज्यादा कठोर हो जाता है। जैसे NaCl की जालक एंथैल्पी 788 किलो जूल प्रति मोल है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ये NaCl, इसको हमें वियोजित करना है सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। तो 1 मोल ठोस NaCl को 1 मोल सोडियम आयन जो गैसेस स्टेट में होगा और 1 मोल क्लोराइड आयन जो कि गैसेस स्टेट में होगा, इन दोनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पृथक करने के लिए 788 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चित्र के आधार पर देखिए, जो NaCl है जो सॉलिड स्टेट में है, यदि इसको हम आयनित कर दें, मीन्स इसको हम गैसेस स्टेट में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट कर दें, तो हमें 788 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये जो ऊर्जा है ये क्या कहलाएगी, NaCl की जालक एंथैल्पी कहलाएगी। आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण, पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। जिस प्रकार सहसंयोजी आबंध में आंशिक आयनिक लक्षण होता है, उसी प्रकार आयनिक आबंध में भी आंशिक सहसंयोजी लक्षण होता है। आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना फजांस ने की थी। धनायन के आकार घटने पर और ऋणायन के आकार बढ़ने पर आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। चित्र के माध्यम से देखिए, यहाँ पर सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन, ये तीनों आयन घटते क्रम में हैं। मीन्स क्या है कि जो धनायन है सोडियम आयन इससे छोटा आकार किसका है, मैग्नीशियम आयन, और इससे भी छोटा आकार किसका है, एल्यूमिनियम आयन। तो जैसे जैसे धनायन का आकार घटेगा तथा ऋणायन का आकार बढ़ेगा, यहां पर देखें फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है और ब्रोमाइड आयन है, ये आयनों का साइज बढ़ते क्रम में है। दोनों स्थितियों में धनायन का आकार घटने पर और ऋणायन का आकार बढ़ने पर आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। जैसे NaCl, MgCl2 और AlCl3। तो इसमें सबसे छोटा आकार किसका है, एल्यूमिनियम आयन का। तो इस प्रकार सहसंयोजी लक्षण बढ़ते क्रम में, ये सहसंयोजी लक्षण बढ़ते क्रम में। किसका, आयनिक आवंध का सहसंयोजी लक्षण बढ़ते हुए क्रम में है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखिए, अब के हमने यहां पर धनायन को समान रखा, यहां पर ऋणायन समान रखा था, यहां पर धनायन समान है। अब हमने क्या करा कि जो ऋणायन था उसका आकार बढ़ा दिया, तो जैसे जैसे ऋणायन का आकार बढ़ा आयनिक आवंध का सहसंयोजी लक्षण ये भी बढ़ते हुए क्रम में होगा। अर्थात धनायन का आकार घटने पर और ऋणायन का आकार बढ़ने पर आयनिक यौगिकों का
सहसंयोजी लक्षण बढ़ जाता है। धनायन और ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने से भी आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों केसेस में, ये NaCl पर एक धनावेश और एक ऋणावेश, ऐसे MgO पर यहाँ पर दो आवेश हैं, धनावेश और दो ऋणावेश। इसी प्रकार एल्यूमिनियम पर देखें तीन धनावेश हैं और नाइट्रोजन पर तीन ऋणावेश हैं। तो इस प्रकार क्या है कि जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ी वैसे वैसे भी आयनिक आबंध का सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है। तो ये आयनिक आबंध का सहसंयोजी लक्षण का बढ़ता हुआ क्रम है। इसी डायरेक्शन में आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। समान आकार और आवेश के धनायनों में से उस धनायन की ध्रुवण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातुओं के धनायनों के उत्कृष्ट गैस विन्यास NH2NP6 की अपेक्षा संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुरूप N-1DnNH0 होता है। प्यारे बच्चों, धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनीय आवेश को आकर्षित कर उसे ध्रुवित करता है, फलतः उसके मध्य आवेश की मात्रा बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया सहसंयोजी आबंध निर्माण के अनुरूप है जिसमें दो नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉनीय आवेश घनत्व में वृद्धि होती है। धनायन की ध्रुवण क्षमता, ऋणायन की ध्रुवता तथा ऋणायन के ध्रुवण की मात्रा आदि वे कारक हैं जो सम्मिलित रूप से किसी आयनिक आबंध की सहसंयोजकता के प्रतिशत को निर्धारित करते हैं। इन चीजों को नोट कर लेना। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन कौन से कारण ऐसे हैं जो किसी आयनिक आबंध के सहसंयोजक की प्रतिशतता को निर्धारित करते हैं। तो आपके पास क्या क्या होंगे, धनायन की ध्रुवण क्षमता, ऋणायन की ध्रुवता और ऋणायन के ध्रुवण की मात्रा। आज के व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे थे फॉर्मल चार्ज यानी फॉर्मल आवेश, अष्टक नियम की सीमाएं, आयनिक या वैद्य संयोजी आबंध, जालक एंथैल्पी यानी जालक ऊर्जा एवं आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण। आज के व्याख्यान से संबंधित तीन प्रश्न गृह कार्य के रूप में आपको दिए जाते हैं। पहला प्रश्न NCERT का 4.5 होगा, अष्टक नियम के महत्व और सीमाओं को लिखिए। दूसरा प्रश्न NCERT का 4.6, आयनिक आबंध बनाने के लिए अनुकूल कारकों को लिखिए। तीसरा प्रश्न NCERT का 4.14 प्रश्न है, निम्नलिखित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा धनायनों और ऋणायनों में विरचन को लुईस बिंदु प्रतीकों की सहायता से दर्शाइए। आपको K और S से बनाना है, CA और O का बनाना है और AL और N से मिलकर बनाना है। हिंट देते हैं, K और S से मिलकर आपको बनाना है K2S, CaO से मिलकर बनाना है CaO और ALN बनेगा AL और N से मिलकर। यह आपका गृह कार्य है। अगले व्याख्यान में हम जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे वह हैं आबंध प्राचल, बॉन्ड पैरामीटर्स जिनमें आबंध की लंबाई, आबंध कोण, आबंध एंथैल्पी, आबंध कोटि, अनुनाद संरचनाएं और आबंध की ध्रुवणता के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।